सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है एन ए राडू स्टूडियो से और ये एक प्रोडक्ट रिव्यू है S8 स्टेंसिल प्रिंटर का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले भी मैं ब्रदर कंपनी का पॉकेट जेट यूज़ करता था। ये बहुत अच्छा थर्मल प्रिंटर है जिससे कि आप टैटू के स्टेंसिल्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर बैटरी भी आती थी इंक्लूडेड, और बट ये वायरलेस नहीं था, ये पुराना मॉडल था जिसका नंबर था PJ623। मैंने इसको 6 साल पहले लिया था टैटू गिज़्मो से, बट स्टूडियो में पिछले हफ्ते ये गिरा था और ये ख़राब हो गया। अब ये ठीक नहीं हो सकता, इंडिया में इसका रिपेयर नहीं है अवेलेबल। सो इनका जो नया मॉडल आया है मैंने वो मंगवाया था, दिस इज़ S8 प्रिंटर। सो पहले वाला जो प्रिंटर था वो ब्रदर कंपनी का था, मैन्युफैक्चरर जो थे वो ब्रदर कंपनी थी, और इसके साथ टीम अप किया था स्पिरिट ने। आप सब लोग स्पिरिट को जानते होंगे, स्पिरिट इज़ अ कंपनी जो कि थर्मल पेपर बनाती है टैटू के लिए। एंड सो दिस वन इज़ ऑल्सो बाय ब्रदर, बट इस टाइम उन लोगों ने टीम अप किया है S8 के साथ, एंड दिस इज़ अ कॉम्बो पैक। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इनसाइड। बाय द वे, मैंने ये कॉम्बो पैक S8 प्रिंटर का टैटू गिज़्मो से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इट इज़ अ प्रिटी एक्सपेंसिव प्रिंटर आई वुड से, तो बिगनर्स को लेने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके स्टूडियो में बहुत ज़्यादा रश होता है और आप ज्योमेट्रिक टैटूज करते हैं, या आप टाइम सेव करने के लिए ही एक प्रिंटर लेना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव अ ट्रांसफर जेल इनसाइड दिस। आई गेस दिस इज सेम लाइक स्टेंसिल स्टफ, ये उसी की तरह काम करेगी। देन वी हैव अ रेड सोप, हम लोग सब लोग ग्रीन सोप का यूज करते हैं, आई गेस दिस इज देयर ओन ऑथेंटिक थिंग, और ये ऑब्वियसली बेटर होगा ग्रीन सोप से। ग्रीन सोप इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। दे हैव दिस टैटूइंग जेल ऑल्सो, इसके बारे में मैंने चेक किया था, दिस इज बेसिकली जब आप स्टेंसिल लगा देते हैं आप इसका बहुत थिन सा लेयर लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जब आप छोड़ेंगे तो आपका जो स्टेंसिल है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। देन इसके अंदर उन लोगों ने एक S8 का नीडल क्लीनर भी दिया हुआ है। नीडल क्लीनर बेसिकली जब आप टैटू बनाते बनाते आपकी इंक ड्राई हो जाती है नीडल कंपार्टमेंट के अंदर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका नीडल क्लॉग नहीं होगा। मैनुअल, so they have also given some sample of gloves, Opus, it is a very good company but India mein iske gloves nahi aate hain, they have just sent a sample. Again printer ka manual, they iske andar in logon ne ye bhi bheja hai, jaise hum log spirit ka thermal paper lete hain aur uska pura set aata hai 100 ka, so it is similar to it, S8 company ka. So here is the printer. So अगर हम लोग compare करते हैं पिछले वाले printer से, तो अगर आप size में देखेंगे तो it's almost the same. अगर मैं build quality की भी बात करूं तो it was pretty heavy. बट ऐसा नहीं बोलूंगा, इट इज़ अ फ्रेजाइल थिंग, अगर आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। मैं इसको बेसिकली क्लोथ्स के अंदर रैप करके लेके जाता था ताकि ये टूटे नहीं। आई गेस कंपनी शुड हैव ऑल्सो गिवन अ पाउच अलॉन्ग विद इट जिससे कि इसको लेके जाना और ट्रैवल करना थोड़ा ईजी हो जाए। स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के टाइम पे एक प्रिंटर खराब हो सकता है। सो दिस वन इज़ अ न्यूअर मॉडल, माई प्रीवियस वन वॉज पॉकेट जेट 623 एंड दिस वन इज 763। तो ये जो नया वाला है इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, मेरे प्रीवियस वाले में ब्लूटूथ नहीं था, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ट्रैवल करते हो या स्टूडियो में आपको लैपटॉप से या आईपैड से प्रिंट आउट निकालना है तो आप USB से भी चला सकते हो और आप ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट करके निकाल सकते हो। बाकी इसके अंदर भी बैटरी की ऑप्शन है, आई गेस दे डोंट हैव इट हियर, लेट्स सी। आई गेस दिस इज नॉट अ बैटरी, इट इज जस्ट अ डमी, but I'll try to check this out. Okay, let's try to use this printer and see how it runs. So after I opened this thing up, I realized that the stencil thermal paper is of red color.
एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पिछले 12 सालों में हमेशा पर्पल या ब्लूइश कलर का ही यूज़ किया है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस दैट इट इज़ ऑफ रेड कलर एंड सो हाउ डू वी यूज इट इज एक्चुअली वी टेयर इट लाइक दिस like this and we remove this one. So here I have the stencil that I want of the portrait and I have connected it via Bluetooth so it is very good. So once I feed this in, it goes inside my automatically. So here I've connected my printer and this is the printout coming. Here we have the stencil ready and it is pretty nice and dark. So see you in the next video guys.